आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है और आज इस ट्यूटोरियल में आपके सवाल जो भी आपने पूछे होते हैं उसके जवाब जो है तार्किक रूप से मैं देने की कोशिश करता हूँ। बातचीत करते हैं हम लोग आपस में और मुझे उम्मीद है कि आपका जो लास्ट क्लोजिंग है वो काफ़ी शानदार रहा होगा और टारगेट को लेकर के आप अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि कितने लोगों ने, कौन से भाई साहब ने कौन सा सवाल पूछा और उसका क्या सरल जवाब हो सकता है। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। स्वागत तो करो हमारा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में जिसमें कि आप सवाल जवाब पूछते हैं अपने। तो सबसे पहला जो सवाल है वो सोनू कुमार जी ने पूछा है और इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि जो सेफ शॉप में हम प्लान दिखाने जाते हैं तो ढेर सारे लोग सवाल पूछते हैं और उन सवालों में 5 सवाल कॉमन सवाल होते हैं जिसमें आपको पीएचडी करने की ज़रूरत है और ये 5 सवाल कौन है आप इस ट्यूटोरियल में जा करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल पूछा है सोनू कुमार जी ने पूछा है इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में। इन्होंने कहा है कि सर, रिटेल शॉप पर काम कर सकते हैं, केवल प्रोडक्ट लेकर के सेल कर देते हैं तो इनकम होगी क्या? तो सोनू कुमार जी, बिल्कुल, अगर आपकी आईडी लगी हुई है सेफ शॉप में, अगर आप ज्वाइन हैं, ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट सामान ले करके डायरेक्ट सेल कर देते हैं रिटेल शॉप पर तो भी आपको पैसा मिलेगा। आपको जो मार्जिन इनकम मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा और जो आपको, आप जब सामान खरीदते हैं तो जो आपको सेफ शॉप की तरफ से पेयर इनकम, जो रैंक इनकम मिलती है वो भी मिलेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि रिटेल इनकम, रीपर्चेज इनकम, इस तरह से भी पैसा मिलता है। बाकी जब आप शॉपिंग करते हैं तो पैसा तो मिलता ही है आपको। तो आप बिल्कुल, आप डायरेक्ट कंपनी से सामान लेकर के रिटेल शॉप पर सेल कर देते हैं, वहाँ से जो पैसा मिलता है वहाँ से भी आपको मार्जिन इनकम मिल सकती है और सेफ शॉप से आपको पेयर इनकम मिल सकती है। दूसरा सवाल इंदु चौधरी जी ने पूछा है और उन्होंने कहा है कि सर, माफ़ कीजिएगा मगर हेड ऑफिस वाले कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं और कॉल भी नहीं करते हैं। तो बिल्कुल इंदु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये समस्या इन्होंने इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। तो इंदु मैम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ दिन पहले ये प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत सारी दिक्कतें मुझे भी होती थी, मेरी टीम के लोग भी मेरे को कंप्लेन करते थे, तो आपको भी प्रॉब्लम हो रही थी, इस बात से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल इस भी मैं डिनाई नहीं करता इस प्रॉब्लम को, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सेफ शॉप ने अपना जो कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसको बहुत बेहतर तरीके से बनाया है। कॉल अब पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से पिक होती है, लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको सेटिस्फाई करते हैं। और मैम, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप काव्या मैम से भी पूछ सकती हैं और ईमेल भी कर सकती हैं। अगर आपको ईमेल, कितने ईमेल हैं, कितने कॉल्स का क्या क्या नंबर है किस डिपार्टमेंट के, तो उसको अगर आप जानना चाहती हैं तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को आप एक बार देख लेंगे तो आपको जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। स्टैलिंग एड बोल जी करके हैं और उन्होंने कहा कि सर, ये जो इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में पूछा है इन्होंने कि सर, ये किताब मुझे देना है, तो देना मतलब उनको चाहिए। तो सर, बिल्कुल आपको ये किताब मिल जाएगी। आप ये किताब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, क्या प्रोसेस है उसका, इसको जानने के लिए आप इस ट्यूटोरियल को देखें। इस ट्यूटोरियल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद से एक अजय कुमार जी करके हैं, उन्होंने कहा है कि, एक मिनट सर, उन्होंने कहा है कि सेफ शॉप मुझे बर्बाद कर दिया। तो सर, मैं तो, माफ़ कीजिएगा, सेफ शॉप ने आपको बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेफ शॉप ने आपको कैसे बर्बाद किया, किस तरह से बर्बाद किया, और सेफ शॉप ज्वाइन करने से पहले आप कितने बड़े करोड़पति थे, कितने बड़े लखपति थे, महीने का कितने का टर्नओवर था, सालाना का कितने का टर्नओवर था, कितना ज़्यादा हाईली आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इस तरह की बात अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आप शेयर करेंगे तो मैं शायद आपको असिस्ट कर पाऊँ, इन्फॉर्म कर पाऊँ। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है DS मानवेंद्र सेफ साहब, जिस नाम से ये ट्यूटोरियल है यूट्यूब पर, इसी नाम से इंस्टाग्राम पे भी चैनल है। आप वहाँ पे सर्च करके अपनी जो भी फुल डिटेल है उसको आप बता सकते हैं। अजय, फिर इन्होंने ही एक सवाल दोबारा किया है अजय कुमार जी ने, इन्होंने कहा है कि सेफ साहब मेडिकल सेंटर बन जाएगा तो दुनिया के डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे।
दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अजय जी कि सेफ शॉप कोई मेडिकल सेंटर नहीं है। सेफ शॉप एक जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग हब है, या कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से प्रोडक्ट डिलीवरी होती है और यहाँ से एक टीम बना करके काम करने का एक प्रोसेस है। इसको आप यूट्यूब पे जा करके सेफ शॉप के बारे में और अच्छे तरीके से समझें। और मेडिकल सेंटर नहीं है, कुछ जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, जो बनाने वाले जो लोग हैं उनके साथ इनका को पार्टनर है, को है ना, उनके साथ टाई अप है। तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो प्रोडक्ट देते हैं, हम डिलीवर करते हैं, ठीक है, ये आप समझिएगा। हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन आज दुनिया में हर आदमी डॉक्टर है, सही ना। ऐसे देखा जाए जिसको भी सूट कर जाता है वो दूसरे को बताता है, किताब पढ़ करके भी जानकारी जब हो जाती है तो दूसरे को बताता है। तो बताना दुनिया का सबसे आसान काम है और हर आदमी बता ही रहा है, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे लॉयर बन जाए, चाहे टीचर बन जाए, कुछ भी बन जाइए, ठीक है। तो हम भी बता ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव अगर टीवी पे आ गए तो आप उनको प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे। उनका मेन जो काम है वो कुछ और है, लेकिन उन्होंने क्या किया, केवल उन्होंने संस्कार चैनल से टाई अप कर लिया। तो संस्कार चैनल से टाई अप कर लिया कि मैं आपके चैनल पे इतने देर योगा सिखाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गए, समझिए चीज को। तो इसके बाद से अमरजीत सिंह जी हैं, ये पूछते हैं कि इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं कि केवाईसी प्रॉब्लम, ये वाला जो है आपका वीडियो, इसके परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं कि क्या ये सेफ है। उन्होंने शायद ये पूछा है कि क्या इस तरह से लॉग इन करने से सेफ रहेगा। तो बिल्कुल अमरजीत सर, मैंने किया है, आप भी करें, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है तो आप गूगल क्रोम से जाइए या एक्सप्लोर से जाइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर से जाइए, वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आप पे मत जाइए, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो गूगल क्रोम से कर लीजिए या इंटरनेट एक्सप्लोरर से कर लीजिए, ठीक है। अनुराग धुरिया जी हैं जो इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर आप बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो बिल्कुल सर, आप सभी का बहुत धन्यवाद है, बहुत आशीर्वाद है इसलिए इस तरह से बता पाते हैं। और आप सभी का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग भी इतनी अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, कमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। दर्शन राव जी हैं, इन्होंने इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। इन्होंने कहा कि हेलो सर, इसके बाद उनकी क्लोजिंग और कैसे करें, इनकी आईडी हमें कहाँ शो करेगी। तो बिल्कुल इसी वाले वाले यूआरएल को जब आप खोलेंगे, यहाँ से किसी को लिंक भेजेंगे, तो देखिए इस यूआरएल का केवल एक ही काम है, एक ही काम ये है कि जिसको भी आप ज्वाइन कराना चाहते हैं उसको ये लिंक भेज देंगे तो उसके पास एक डेटा शीट खुलेगी, उसको वो भर करके आपको भेज देगा। अब आपका काम है, आपके पास ये पावर रहेगी कि आप उसको राइट में आप प्लेस करते हैं कि लेफ्ट में प्लेस करते हैं, ये आपके पास राइट रहेगा। जब आप उसके पास केवल एक कॉमन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जाएगी, एक सेटिस्फेक्शन इंफॉर्मेशन जाएगी कि हाँ मैंने सेफ शॉप की आईडी पे अपना सब कुछ डिटेल डाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी डिटेल नहीं बताना चाहते, पब्लिक करना नहीं चाहते, व्हाट्सअप नहीं करना चाहते, तो उनके जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए बाकी सारा कंट्रोल आपके पास रहेगा। राइट में प्लेस करना है, लेफ्ट में प्लेस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा कंट्रोल आपके पास रहेगा। और एक बार करा के किसी को दिखाइए, सब कुछ वही शो करेगा। जब तक कभी आप एक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, एक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे शो कर रही है, कहाँ शो कर रही है, कितना किधर से लगाना है, किधर से नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें एक कर लेंगे किसी का तो हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद से सेफ साहब डायरेक्ट डील से एक साथी हैं जिनका नाम ही यही है, जस्ट शो कर रहा है मुझे। तो उन्होंने इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि सर केवाईसी का जीमेल क्या है। तो ऐसे मैं आपको बता दूं कि केवाईसी का जीमेल क्या है, ये जानने के लिए, केवाईसी कैसे करना है ईमेल के माध्यम से, इसको जानने के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। इसके बाद से एक सीके राजन जी हैं, उन्होंने एक साथी हैं सीके राजन जी, उन्होंने इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया। उन्होंने कहा कि सर ये प्लान फ्लोटर कब कहाँ से उपलब्ध होगा। तो सर बिल्कुल वही बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लान फ्लोटर कहाँ से मिलेगा, कितने रुपये का है, क्या प्रोसेस है, इसको जानने के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद से निर्मल सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि सर ऑल डायरेक्ट सेलिंग का लिस्ट कैसे चेक करें, गवर्नमेंट साइट पर सेफ शॉप को कैसे चेक करें, इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातचीत किया है। तो सर बिल्कुल पहले शो करता था, अभी मुझे मैंने भी काफ़ी सर्च किया हुआ है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट पर सेफ शॉप की कहाँ लिस्टिंग है, कहाँ पर शो कर रहा है, इसके बारे में अभी तुरंत मेरे पास जानकारी नहीं है। जैसे ही आएगी जानकारी मैं एक ट्यूटोरियल बना करके आपको ज़रूर सूचित करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद से रंजीत कुमार तिवारी सर हैं, एक साथी हैं, उन्होंने इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में पूछा है
कि सर रैंक इनकम इसमें क्या मेंशन नहीं होगी? तो बिल्कुल रंजीत सर और एक इंडिया एक्स आयुष जी हैं, उनका भी सेम यही सवाल है। तो आप दोनों लोगों को, दोनों साथियों को मैं ये कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, श्योर कर देना चाहता हूँ कि जो टारगेट आया है गोवा का, थाईलैंड का, आबू धाबी और दुबई का और इंग्लैंड का, इसमें जो कोई भी आप बिजनेस वॉल्यूम आप भेज रहे हैं वो बिजनेस वॉल्यूम आपके पेयर इनकम में भी जुड़ रही है, आपके रैंक इनकम में भी जुड़ रही है, आपकी लेबल इनकम में भी जुड़ रही है, और आपके लेबल में भी जुड़ रही है, और आपके मतलब जहाँ जहाँ जुड़ सकता है, मतलब आप कह सकते हैं कि आप अगर एक बीवी भी भेज रहे हैं टारगेट के नाम पे, तो आपके टारगेट में भी काउंट हो रहा है, आपकी टीम में भी काउंट हो रहा है, आपका लेवल भी बन रहा है, आपका रैंक इनकम भी बन रहा है, आपका कार फंड ट्रेवल फंड भी बन रहा है, आपका अचीवर कॉर्पस पे आउट में भी जा रहा है, मतलब हर जगह जा रहा है। बिल्कुल इसमें डाउट होने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और टारगेट जीतने से कितने तरह से आपको पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, अगर इसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके बाद से एक साथी हैं विषादू राय जी, विषादू राय जी पूछते हैं कि सर आपका क्या नाम है सर? ठीक है, तो मेरा क्या नाम है सर, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को देखें, आपको मेरे बारे में कुछ हद तक यहाँ से जानकारी आपको ज़रूर हो जाएगी। इसके बाद से सर ने पूछा है, एक सेप्स ऑफ लीजेंड करके हैं, उन्होंने सर ने पूछा है या बताया है मेरे को कि सर इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में, इसी वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में, तो मेरा लेफ्ट में 12 है और राइट में 17 है दिखा रहा है सर, तो 12 और 17 क्या दिखा रहा है? तो 12 17 तो पहले टीम दिखाता था, अभी क्या बिजनेस वॉल्यूम दिखा रहा है? तो ज़रूर आप पूरा मेंशन करें मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जा करके कि आपका बिजनेस वॉल्यूम दिखा रहा है कि 17 दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है। तो क्योंकि 12 17 मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या दिखा रहा है, आप थोड़ा सा इसको पूरा अच्छी तरह से बताएं, बीवी दिखा रहा है, बिजनेस वॉल्यूम दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत सारे सवाल हो गए, तो ये कुछ सवाल थे, कुछ अपने लोगों ने डाउट्स यहाँ से पूछे, तो मैंने उसको अपनी भाषा में, अपनी जो दिमाग बुद्धि है उसके उसके साथ उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताने समझाने की कोशिश की। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए। दोस्तों आप सभी के मन में अगर कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं हर गुरुवार को आप सभी लोगों के सवालों का यहाँ पर अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा अंतिम सोल्यूशन नहीं है, आपके जो सीनियर्स मेंटर हैं, आपके जो आपके टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी बात को मान करके आप सेफ शॉप में काम करें। मैं बस एक छोटा सा अपना, अपने को एंटरटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें रखता हूँ। तो आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।